हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द माउंटेन फैम। सो अभी अक्षत है नहीं यहाँ पे, सो मैंने सोचा मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ तब तक। हमारी लास्ट वीडियो में हमने बताया था ईसीए के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सीआरएस के बारे में, सीआरएस क्या होता है। सीआरएस हमें जब कैलकुलेट करना होता है उससे पहले तक हमारा ईसीए का इवेल्यूएशन आ जाना चाहिए एंड आईएलटीएस के स्कोर आ जाने चाहिए। सीआरएस क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। बेस्ड ऑन दी हमारे जो भी ये आएगा स्कोर आएगा, बेस्ड ऑन दी स्कोर जो एक्सप्रेस एंट्री के इन्विटेशंस होते हैं वो आते हैं। आपको पता होगा जो भी एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ निकलता है वो एक सीआरएस स्कोर के ऊपर ही निकलता है। लाइक लेट्स सपोज कुछ नंबर रहता है, 480 इज द टारगेट। 480 से ऊपर वाले जितनों का भी इन्विटेशन आता है वो रहता है। सीआरएस स्कोर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। आपको दिखाते हैं कैसे करते हैं सीआरएस स्कोर कैलकुलेट। चलते हैं अक्षत के लैपटॉप की साइड। हाय गाइस, सो जैसा कि आपको पता है आज की वीडियो का टाइटल है हाउ टू कैलकुलेट सीआरएस स्कोर। सो हम चलते हैं सबसे पहले canada.ca पे, एंड विल गो टू इंग्लिश, नेक्स्ट विल गो टू मेन्यू, इमिग्रेशन सिटीजनशिप, माइग्रेट, एंड देन इसमें आएगा एक्सप्रेस एंट्री। एक्सप्रेस एंट्री वर्क्स, देन इसके बाद आएगा फाइंड आउट चेक योर स्कोर। सो इन स्टेप टू यू कैन सी हेयर स्टेट योर स्कोर। इसमें हम चलते हैं। सबसे पहले आपका फॉर स्किल्ड इमिग्रेंट्स आपको सिलेक्ट करना था, और इसके अंदर सबसे पहले आप अपना ये आपके फैक्टर्स हैं जो आपको याद हो हमने एलिजिबिलिटी के फैक्टर्स बताए थे, स्किल्स, एजुकेशन, लैंग्वेज एबिलिटी, वर्क एक्सपीरियंस एंड अदर फैक्टर। सो सबसे पहले हमें स्कोर कैलकुलेट करना है। तो ये क्या स्कोर है सबसे पहले बताना चाहूँगा। सो सीआरएस स्कोर आपका ये होता है जिसके आपके ड्रॉज निकलते हैं। सो ड्रॉज आर बेस्ड आउट ऑफ दिस स्कोर ओनली। सो हाउ डू यू कैलकुलेट इट? सो ये सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस पूछेगा। सो फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन है अच्छा मैरिट। सो इसको मैं अपने उसमें भरता हूँ, अपने को रेफरेंस लेके, जैसे जब मैंने स्टार्टिंग में अपने आप अपने लिए कैलकुलेट किया था तब के लिए। सो उसमें है क्या मैरिट कॉमन लॉ पार्टनर अ सिटीजन और परमानेंट सिटीजन ऑफ कैनेडा। सो इस केस में चंदू नहीं है उस टाइम पे। यस पॉज कैनेडा विल कम विद यू टू कैनेडा, यस ऑफ कोर्स, बिना उसके वो नहीं जाने देगी। हाउ ओल्ड आर यू? सो ये मैं एज उस टाइम के अकॉर्डिंग लगा देता हूँ जिस टाइम पे मेरे हमको इन्वाइट आया था। 32 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट आएगा एंटर द हाइस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन फॉर विच यू अर्न अ कैनेडियन डिग्री। सो एज यू नो हमारे पास कैनेडियन डिग्री नहीं है, लेकिन हाँ सेकेंड पॉइंट में अगर आप नोटिस करेंगे हमने ई सी ए करवाया है फॉर अ स्टडी आउटसाइड ऑफ कैनेडा। सो अकॉर्डिंग टू दैट मेरी है मास्टर्स। सो इसके आगे अगर चलें या सो टू आंसर येस, इसमें साफ साफ इन्होंने लिखा हैव यू अर्न अ कैनेडियन डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स। तो हमारे केस में ये वैलिड नहीं है, तो इसके लिए आएगा नो no. देन इसके बाद आएगा ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो कनाडा में हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। सो सबसे पहले ये पूछेगा जो रिजल्ट्स हैं आर दे लेस देन 2 ईयर्स ओल्ड। आपको पता ही होगा आइल्स का स्कोर 2 ईयर्स के लिए वैलिड रहता है। यस, सो सबसे पहले पूछेगा कौन सा है इसमें, तो हमारा रहेगा आइल्स। सो स्पीकिंग जैसा आपको पता है मेरे आए थे 7, लिसनिंग में आए थे 9, रीडिंग में आए थे 8, एंड देन राइटिंग में आए थे 7। सो आप देख रहे होंगे ये बकेट्स हैं, ये एक डिफरेंट टॉपिक रहेगा। सो इसमें जैसे कि आपको पता ही होगा हम इंग्लिश के साथ साथ अपना फ्रेंच का भी एग्ज़ाम दे सकते थे जैसे मैंने आपको बताया था। तो इस केस में अगर आपने दिया होता तो आप उसमें लिख देते, अदरवाइज इट्स नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट आपका आ गया इन लास्ट 10 ईयर्स हाउ मेनी ईयर्स ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस इन कैनेडा डू यू हैव। तो ये हमारा नहीं है, सो इसको हम करेंगे नन और लेस देन अ ईयर। अदरवाइज अगर होता तो आप हमारा होता है एनओसी इन टीयर 0, 1, 2, 3 अ कैटेगरी जॉब्स, यू कैन फाइंड योर एनओसी हियर। सो इसका नेक्स्ट है इन लास्ट 10 ईयर्स हाउ मेनी ईयर्स ऑफ फॉरेन स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव। सो यस, सो एंड यस इसके अंदर रहेगा इट मस्ट हैव बीन पेड फुल टाइम एंड ओनली इन वन ऑक्यूपेशन।
सो इसमें हमारा जैसे कि आपको पता ही है मेरा एक्सपीरियंस है 10 ईयर्स, सो आना 3 और मोड में आएगा. सो इसके बाद आएगा डू यू हैव एनी सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम कैनेडियन प्रोविंस टेरिटरी ऑफ फेडरल बॉडी. इसका आंसर हमारे में रहेगा नो. देन एडिशनल पॉइंट्स डू यू हैव अ वैलिड जॉब ऑफर बाय LMIA. सो जिसका मैंने आपको बताया था जॉब ऑफर है अगर आपके पास रहता है तो इसके आपके एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं. हमारे केस में हमारे पास नहीं है तो ये रहेगा नो. आफ्टर आगे बढ़ते हुए डू यू हैव अ नॉमिनेशन सर्टिफिकेट. देखिए अभी हम इनिशियल स्टेप्स पे हैं तो हमें अपने पॉइंट्स देखने हैं कि हमारे पॉइंट्स बनते भी हैं कि नहीं. सो उस केस में हमारे पास तो नहीं था तो उसने किया सिलेक्ट नो. अब ये स्पाउस के क्वेश्चन आ गए. डू यू और योर स्पाउस कॉमन लॉ पार्टनर इफ दे विल कम विद यू कैनेडा हैव एटलीस्ट वन ब्रदर सिस्टर और यू नो सिबलिंग कनेक्शन. सो उस टाइम पे हमारा था नहीं. सो नेक्स्ट आगे व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर विच योर स्पाउस और कॉमन पार्टनर हैज अर्न्ड अ कैनेडियन डिग्री नो और हैड एन ECA मस्ट बी अप्रूव फ्रॉम एजेंसी इन लास्ट 5 ईयर्स. सो इस केस में चंदू के पास थी मास्टर्स तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया मास्टर्स. इन लास्ट 10 ईयर्स हाउ मेनी ईयर्स ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस इन कैनेडा डज योर स्पाउस हैव. सो उसका भी नहीं था इसमें नन और लेस देन ईयर. सो इसमें आ गया डिड योर स्पाउस टेक द लैंग्वेज टेस्ट इफ सो विच वन. सो इसमें हम सेलेक्ट करेंगे आइल्स. आगे बढ़ते हुए उसके हम स्कोर्स रखेंगे शायद 7 लिसनिंग 7.5 रीडिंग 7 एंड राइटिंग 6.5. ठीक है तो ये हमने डाल दिया. अब हम अपने स्कोर्स चेक करते हैं. सो इसके टोटल स्कोर आउट ऑफ रहता है 1200. सो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है. ये हमारा कोर और ह्यूमन कैपिटल फैक्टर्स है. एज के मिले हमें 85, लेवल ऑफ एजुकेशन के 126, ऑफिशियल लैंग्वेजेस मतलब आइल्स के 122 एंड देन उसके बाद हमारा 333 सब टोटल कोर HCP फैक्टर बनता है. देन स्पाउस के फैक्टर के मिलते हैं 26, देन स्किल्स 50, कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस 0, फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस 50, कैनेडियन एंड फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस 0. देन एडिशनल पॉइंट्स ये आपका रहेगा PNP के लिए. सो आप देखेंगे हमारा कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग टोटल रहता है 459 जो कि हमारा स्कोर था. अब अगर हम इसे आज के उसमें ले चलें जो हाँ आज का चल रहा है आज की अब जो मेरी एज है तो उसके हिसाब से अगर मैं इसको फ़िल्टर लगाऊं तो इसको मैं बदल देता हूं 34 और अब जाके मैं अगर कैलकुलेट करता हूं सो अब मेरा स्कोर बन जाता है 449. सो आपने देखा होगा 2 साल में 10 पॉइंट्स डिक्रीज होते हैं. सो ये पर ईयर 5 पॉइंट्स आपके इंक्रीज करता है. सो बेस्ड ऑन दिस ये आपका बताएगा कि आपका CRS स्कोर ये है और अकॉर्डिंगली आपके ड्रॉस निकलेंगे. सो अब चलते हैं वापस. थैंक यू. सो गाइज आपने देखा अक्षत ने आपको बताया कि कैसे करते हैं CRS स्कोर कैलकुलेट. सो एक बार जब आपके पास आपका CRS स्कोर नंबर आ जाएगा उसके बाद आप बना सकते हैं एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल जो कि हम बताएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. आपके कोई भी अगर आपको डाउट है या कुछ भी है डू कॉमेंट. वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल. सो थैंक्स अगेन. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट. थैंक यू.